नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर्स सरप्लस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस के एग्जाम में जो इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल पेपर था, उसके फर्स्ट पेपर में पहला ही क्वेश्चन था, उपभोक्ता की बचत को परिभाषित कीजिए। किस प्रकार से उपभोक्ता की बचत की माप की जाती है, तो हम इस वीडियो में उपभोक्ता की बचत की परिभाषा, उपभोक्ता की बचत की जो सिद्धांत है उसकी मान्यताएं, उसकी आलोचना और उसका महत्व, उपभोक्ता की बचत का क्या महत्व है उसको समझेंगे, और उदासीनता वक्र विश्लेषण जो आधुनिक उपयोगिता की माप क्रमवाचक सिद्धांत पर आधारित है, उसके आधार पर भी उपभोक्ता की बचत की गणना किस प्रकार से की जाती है, हिक्स ने किस प्रकार से उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत उपयोगिता उदासीनता वक्रों के माध्यम से किया है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस की जो डिफिनेशन है, परिभाषा है। तो पहली परिभाषा, इसका इतिहास है कि सबसे पहले ड्यूपिट ने उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया था। बाद में इसको मार्शल ने वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया, विश्लेषण किया। तो सबसे पहले ड्यूपिट की परिभाषा, तो ड्यूपिट के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता माप के लिए राजकीय अर्थशास्त्र को उसे अधिकतम त्याग की, जो एक उपभोक्ता किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है, मापदंड बनाना चाहिए। यद्यपि ड्यूपिट की परिभाषा से उपभोक्ता की बचत को किस प्रकार से हम मापे ये स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि उपयोगिता की माप के लिए क्या करना चाहिए कि जो त्याग है और वस्तु से जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता है उसका एक मापदंड बनाना चाहिए। मार्शल की परिभाषा, किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो मूल्य उस वस्तु के लिए देने को तत्पर होता है और वास्तव में जो मूल्य वह देता है उसके अंतर को उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। ड्यूपिट ने जो उपभोक्ता की बचत की परिभाषा दी वो स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। मार्शल ने उपभोक्ता की बचत विश्लेषण को वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया और उन्होंने एक अच्छी परिभाषा जिससे सामान्य तरीके से भी हम उपभोक्ता की बचत की माप कर सकते हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत की। क्या दिया उन्होंने, परिभाषित किया कि वंचित रहने की अपेक्षा कोई वस्तु है जो हम खरीदना चाहते हैं वो हमारे लिए उपयोगी है और हम उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक मूल्य जो है हमने सोच रखा है कि ये वस्तु हमें मिल जाए तो कम से कम इतना मूल्य हम चुका सकते हैं। वास्तव में फिर आगे, वास्तव में उस वस्तु का जो मूल्य हम देते हैं, कोई वस्तु है हमें, हम एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और एग्जाम हम पेन के द्वारा देंगे तो पेन हमारे पास नहीं है, तो हमें एक हमने सोच रखा है कि हमें पेन मिल जाए क्योंकि वो उपयोगी है हमारे लिए है, और हमने सोच रखा है कि यदि वो पेन 50 रुपए का भी मिल जाएगा जिसकी वास्तविक कीमत 10 रुपए है तो भी हम वो पेन हमें चाहिए, हम पेन के उपभोग से वंचित नहीं रहना चाहते हैं और वास्तव जो कीमत है उसकी वो 10 रुपए है तो हम 50 रुपए तक देने को तत्पर थे और हमने दिए 10 रुपए, तो जो अंतर है एक्चुअल प्राइस और विलिंग जो प्राइस था उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। तो मार्शल की परिभाषा ने उपभोक्ता की बचत को अच्छी तरीके से एक सामान्य तौर पर किस प्रकार से हम उपभोक्ता की बचत की माप कर सकते हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत किया। अगली परिभाषा टाजिंग की है। टाजिंग के अनुसार समस्त उपयोगिता
तथा विनिमय मूल्य को नापने वाली राशियों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। क्या है? समस्त उपयोगिता और विनिमय मूल्य को नापने वाली राशियों का अंतर। टासिंग की परिभाषा भी मार्शल की परिभाषा से प्रेरित है, उसी के आधार पर है कि टासिंग ने उपयोगिता और विनिमय मूल्य का जो अंतर होता है उसको ही उपभोक्ता की बचत स्वीकार किया, उसको भी बचत उपभोक्ता की कहा जाता है। इसी प्रकार से पेंशन की परिभाषा है, जो कुछ हम देने को तत्पर, यही पे आ जाओ, उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा। तो पेंशन की परिभाषा में भी आ जाए, वही पर देखते हैं, कुछ हम देने को तत्पर हैं और जो वास्तव में हम देते हैं उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। हम उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा, जो कुछ हम देने को तत्पर हैं और वास्तव में जो हम दे रहे हैं उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। एक और परिभाषा है, जेके मेहता की परिभाषा है कि वस्तु से प्राप्त उपयोगिता और वस्तु को प्राप्त करने में किया गया त्याग का अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। तो इस प्रकार से ड्यूपिट की परिभाषा के अतिरिक्त अन्य सभी अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ता की बचत को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि जो कुछ हम देना चाहते हैं, किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा हम जो कुछ देना चाहते हैं और वास्तव में जो हम मूल्य उसका चुकाते हैं, जो देने के लिए हम तत्पर हैं और जो वास्तव में हम मूल्य चुकाते हैं उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की बचत की परिभाषा, वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा हम जो मूल्य देने को तत्पर होते हैं और जो वास्तव में उपभोक्ता वो मूल्य चुकाता है उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण हमारे सामने है, रोटी की इकाइयां दी गई हैं। अगले कॉलम में सीमांत उपयोगिता, विनिमय मूल्य और उपभोक्ता की बचत। विनिमय मूल्य जो चुकाया जाने वाला मूल्य है, जो हमें देना है, जो हम दे रहे हैं। रोटी की पहली इकाई प्राप्त करने के लिए हम 40 रुपए देना चाहते हैं, किंतु वास्तव में उसका जो मूल्य है वही हमें देना पड़ता है और वो मूल्य है 10 रुपए। तो यहां पर उपभोक्ता की जो बचत होती है वो हो जाती है 30 रुपए। इसी प्रकार से जब दूसरी इकाई हम खरीदना चाहते हैं तो दूसरी इकाई के लिए हम 30 रुपए देना चाहते हैं और वास्तव में उसके 10 रुपए दाम है उसके विनिमय मूल्य, तो यहां पर बचत जो हमारी हुई है वो 20 रुपए। अब यहां पर पहले के हम 40 रुपए देना चाहते हैं, दूसरी इकाई प्राप्त करने के लिए 30 रुपए, तो ये घट क्यों गया? तो इसके लिए हम फिर पीछे जाएं, हमारा सिद्धांत एक है, उपयोगिता ह्रास नियम। जैसे जैसे किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग हम करते हैं उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है। तो इस कारण से हम अगली इकाई के लिए उसका पहली इकाई के बराबर मूल्य नहीं चुकाते हैं। अब चूंकि यहां पर दूसरा सिद्धांत भी काम करने लगता है और वो सिद्धांत है सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या कहता है? वो उपभोक्ता को विवेकशील मानता है और विवेकशील उपभोक्ता का एक ही सिद्धांत होता है, मार्जिनल यूटिलिटी और कीमत के अनुपात को बराबर करना। इस कारण से वो फिर क्या करता है कि अगली इकाई जब वो खरीदेगा तो उसकी पहली वाली इकाई से कम मूल्य चुकाने के लिए ही वो तैयार होता है। इसी प्रकार से जब वो तीसरी इकाई का क्रय करता है तो उसके 20 रुपए और उस चूंकि वास्तविक मूल्य विनिमय मूल्य 10 रुपए है तो हमारा जो बचत है वो घट करके 10 रुपए हो जाती है। इसी प्रकार से जब चौथी इकाई का क्रय करना होता है तो वो 10 रुपए ही चुकाता है और 10 रुपए चूंकि उसका विनिमय मूल्य है
तो सी बात ये यहां पर कंज्यूमर सरप्लस जो है वो घट जाकर के शून्य हो जाता है। तो टोटल जो यूटिलिटी है वो है 100 और जो टोटल विनिमय मूल्य है वो 40 रुपए और जो बचत होती है वो 60। तो इस प्रकार से सारणी के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक चित्र के माध्यम से भी हम उस सारणी को स्पष्ट किया है कि ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित किया है, ओ वाई एक्स पर वस्तु की कीमत और सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित किया है। तो पहली इकाई के लिए वो 40 रुपए देने के लिए तैयार होता है जबकि वास्तव में वो देता 10 रुपए है, तो जो ये एरिया है ये 30 रुपए उसकी बचत हो जाती है। इसी प्रकार से अगली इकाई के लिए वो 30 रुपए देने को तत्पर रहता है, वास्तविक रूप में वो 10 रुपए चुकाता है, तो ये जो एरिया है ये उसकी उपभोक्ता की बचत है। इसी प्रकार से तीसरी और चौथी इकाई के लिए वो करता है। तो इस प्रकार से ये एक सारणी के द्वारा भी हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। सूत्र जो है मार्शल के आधार पे, तो उपभोक्ता की बचत का पहला सूत्र है कीमत देने की इच्छा, विलिंग प्राइस, और एक्चुअल प्राइस जो हम वास्तव में चुका रहे हैं उसका अंतर ही क्या हो जाता है, उपभोक्ता की बचत। एक और सूत्र है तो वो है कुल सीमांत उपयोगिता माइनस कुल विनिमय मूल्य। तो कुल विनिमय मूल्य को हम ज्ञात कर सकते हैं P × Q से। और एक चौथा सूत्र जो है वो कंज्यूमर सरप्लस का ये इंटीग्रेशन के माध्यम से मार्जिनल यूटिलिटी का 0 से x लिमिट पर हम इंटीग्रेशन कर लें और उससे जो P × Q है यानी कुल विनिमय मूल्य को घटा दें तो कंज्यूमर सरप्लस हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की बचत की परिभाषा कि उपभोक्ता की बचत क्या है, किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा हम जो कीमत देना चाहते हैं और जो वास्तव में हम कीमत चुकाते हैं उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। तो इसमें बचत की परिभाषा, उपभोक्ता की बचत की परिभाषा एक तालिका के द्वारा और एक डायग्राम के द्वारा स्पष्टीकरण और उसके सूत्र। धन्यवाद।